इस नैनीताल वालों के लिए गर्मी का जो बंदोबस्त है वो हो गया पानी का। देखिए कितना स्तर बढ़ गया है झील का। गाइस देखिए कितना स्तर बढ़ गया है पानी का। ये मछलियाँ तैरती हुई, मुझे तो यहाँ ब्लॉगिंग करते भी डर लग रहा है कि मेरा फ़ोन इसमें पानी में ना गिर जाए। मुझे पानी से है भी फोबिया। मुझे यहाँ रहते हुए इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक मैंने केवल एक ही बार बोटिंग की है, इसमें वो भी किसी के इंसिस्ट करने पे कि कर लीजिए कर लीजिए। ये पानी का जो स्तर है इतना होता नहीं है लेकिन सितंबर हो गया है, 28 सितंबर, अभी तक बारिश हो रही है तो पानी एकदम भरपूर हो गया है। क्योंकि यहाँ नैनीताल में ना मार्च अप्रैल में जाके इतनी पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो पानी नहीं आता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो इस बार काफ़ी ठीक ठाक पानी भर गया है। और सैलानी देखिए नैनीताल में झील किनारे नैनीताल के ऊपर देखिए। मैं जू बताऊं आपको कहाँ है, यहाँ ऊपर जाके आप ऐसे सीधा वहाँ से जाएंगे फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाके जू है। कई बार जा चुके हैं और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, 12 साल के बच्चों तक का जू में फ्री है, टिकट नहीं लगेगा 12 साल तक के बच्चों का। और काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर हैं वहाँ पे, पांडा भी है, वुल्फ भी है, लिपर्ड है, टाइगर है। तो नैनीताल आएँ तो आप जू जाएँ, बच्चों के साथ हैं तो पक्का जाएँ। तो ये इस तरफ जाके ठंडी ठंडी सड़क बोलते हैं। देखिए कैसे ऊपर धुआं धुआं हो रहा है। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। अंकल जी फोटो खिंचा रहे हैं, ये देखिए पोज देखिए, क्या शानदार पोज आया है अंकल जी का। ये देखिए, ये मैम देखिए मछलियों को निहारते हुए। अब अंकल जी का दूसरा पोज आया। ये देखिए पीपल एंड प्लेसेस नैनीताल, हर तरफ लोग पोज बना बना के फोटो खिंचा रहे हैं। जब आप नैनीताल आए फोटो खिंचाएं, नैनीताल है इतना खूबसूरत, हर जगह लोग फोटो खींच रहे हैं। छोटा बच्चा देखिए फिश को देखते हुए कितना खुश हो रहा है, पर ये किसका बच्चा है, इसने छोड़ दिया है। या फिर काम करो ऐसे ही ले लो। हेलो, फिश को देखता हो बच्चा, देखिए इसको फिश दिख रही है। इतनी सारी फिश, और इनको अगर खाने के लिए कुछ दे दिया जाए ना तो एक जगह ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। और बोटिंग करते हुए लोग, ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए बोटिंग कर रहे हैं लोग। शाम का समय है ये 5:30 का। और मैं कई बार वीडियो डालती हूँ ना कि जो लाइट्स होती हैं पहाड़ों पे
कैसे डायमंड की तरह चमकती हैं। तो देखिए मैं बहुत पास से दिखा रही हूँ, ये है पहाड़ और सामने देखिए लाइट जलनी शुरू हो गई है, और अब जब आप दूसरे पहाड़ से दूर से देखेंगे तो ये और छोटी दिखाई देंगी डायमंड्स की तरह। तो ये पास से देखिए पहाड़ पर लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। ये सारे मैक्सिमम यहाँ पे होटल्स हैं और ये पूरी मॉल रोड है, ये पूरा वहाँ पे नंदा देवी जी का मंदिर है और ये पूरी मॉल रोड है। ये देखिए ये बोटिंग आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी बोटिंग आपको। और ये आपको दो रास्ते हैं, आप चाहे रिक्शा से अपनी कार वगैरह से जा सकते हैं, और शाम को 6 बजे के बाद, एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, यहाँ पे कार वगैरह बंद हो जाती है जाने के लिए, तो आप साइकिल वाइकिल भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मज़े लेने, तो रिक्शा भी बंद हो जाती है शायद 6 बजे के बाद। तो यहाँ से आप जाएंगे, और अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो 300-350 रुपये में आपको वो यहाँ से शुरू करके और ले जाएगा आपको वहाँ, 300-350 रुपये में बोटिंग में, और रिक्शा वाला लेगा 20 रुपये पर सवारी। लो वीडियो कॉल करते हुए खुशी देखिए चेहरे पे, खुशी देखिए चेहरे पे, मैम भी देख रही हैं, चश्मा भी लग रहा है शाम को। चलो लगाओ बाद में, पंतनगर हवाई अड्डा काठगोदाम, ये हवाई अड्डा ठंडा आने वाला है। मैडम कितनी खुश हो रही हैं, बढ़िया फोटो खिंचाते हुए।